बाद गुजरात की आज गुजरात मॉरल की पहली परीक्षा हो गई है। आज पहले चरण में 60% मतदान हुआ है। 89 सीटों और सैकड़ों उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार है सेकेंड राउंड के टेस्ट का, जो 5 दिसंबर को होना है। गुजरात की सियासी लेबोरेटरी से इस बार कैसे मॉडल तैयार होकर निकलेगा, इसका परीक्षण हम लगातार एम फैक्टर में कर रहे हैं। आज इस कड़ी में मध्य गुजरात के उस सीट का मूड मीटर आपको दिखाने जा रहे हैं, जो गुजरात में पहले से ही क्रांति की एक बड़ी प्रयोगशाला रही है। गुजरात के आनंद से देखिए एम फैक्टर का ये एपिसोड। जनता इस साल परिवर्तन चाहती है, कांग्रेस सत्ता पर आएगी, वो काम करे वही उसको ही वोट देना चाहे, वही कैंडिडेट सही होगा। बीजेपी की लहर चल रही है तो उसे वही आएगी। माहौल यहाँ तो इंशाल्लाह कांग्रेस ही आएगी। आज पूरे वर्ल्ड में मोदी का नाम फेमस हो गया, मोदी के नाम से पूरा इंडिया फेमस हो गया। काम किसका अच्छा है वो देखो, पहला काम जिसका अच्छा होगा वो देखो। गुजरात का आनंदपुर, जिसे अब आणंद कहा जाता है, अपनी एक शानदार श्वेत क्रांति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस इलाके की चुनावी तासीर कैसी है, इसकी बोलती हुई तस्वीर आपको आगे दिखेगी। लेकिन पहले जरा इस शहर की एक अनूठी क्रांति के बारे में समझ लीजिए। भारत में कई सारी क्रांतियां हुई और उसमें एक व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति का नाम है, जो कि एक इतिहास है। और जब भी इसका जिक्र आता है तो एक नाम जरूर सामने आता है, वो है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद जिले में हम हैं इस वक्त, देखिए कहां पर हैं, अमूल के उस हेडक्वार्टर में हैं, उस सबसे बड़े प्लांट में हैं जहाँ से पूरे देश में मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। ये एक इतिहास है, ये कहानी। और मेरे पीछे, मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, मेरे पीछे ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, दरअसल हर दिन यहाँ करीब 30 लाख लीटर दूध आता है और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग के बाद उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये भी बताया गया अमूल के अधिकारियों के द्वारा कि करीब 36 लाख लोग अमूल से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो कि रोजगार पाते हैं। तो ये एक बड़ी कहानी है क्रांति की, एक बड़ी कहानी है अमूल की उपलब्धि की। और इस वक्त हम आनंद में भी हैं, तो सोचा हमने कि क्यों ना आज के एम फैक्टर की शुरुआत की जाए। गुजरात के इस आनंद नगरी का चुनावी रंग करीब 2 दशकों तक केसरिया रहा है। साल 1995 से ही बीजेपी यहां लगातार अपना भगवा परचम लहरा रही थी, लेकिन 2017 में यहां बीजेपी के वर्चस्व को कांग्रेस ने तोड़ दिया। इस चुनाव में यहाँ के लोगों के दिल में कौन है, इसकी पड़ताल के लिए हम एक मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे। क्या इस बार लग रहा है आनंद का माहौल? माहौल यहाँ तो इंशाल्लाह कांग्रेस ही आएगी, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। वो देखते हैं, अपनी मर्जी की बात है, सबके अपने अपने हैं, सबके अपने अपने विचार, सबके अपने अपने विचार है। आपका विचार क्या? मेरा तो बीजेपी आएगी। आप बीजेपी को मान रहे हैं? लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर चल रही है तो उसे वही आएगी। सही बोल रहे हैं क्या? सही है। ऐसा तो नहीं है कैमरा देख के बोल रहे? ना ना, कैमरा देख के काय को बोल रहे हैं हम? नहीं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं 27 साल हो गए, आप कुछ बदल जाना चाहिए। सही बात है, बदल जाना चाहिए, बात सही है, पर कुछ गलत हो रहा हो तो बदल जाना चाहिए। सही चल रहा है, जिंदगी अच्छी चल रही है, चलाओ। सब ठीक चल रहा है, बस मोहगवारी थोड़ी ज्यादा हो गई है, उसको थोड़ी ठीक कर दो मोहगवारी को। तो कह रहे हैं गुजरात का एक मॉडल है, मोदी मॉडल है, ये मॉडल वॉडल सही बात है क्या? गुजरात का मॉडल तो पता नहीं, पर अच्छा चल रहा है जिंदगी के अंदर, अभी लाइफस्टाइल में कोई दंगा नहीं, कुछ प्रसाद नहीं, कोई अच्छा फसाद नहीं, शांति से चल, शांति से चल रहा है। हम अपना खुद का है, खुद कमा रहे हैं, खुद जी रहे हैं। ये 27 साल से एक सरकार गुजरात में है, है ना, आप उसको लेके क्या बोलते हैं कि 27 साल से है तो क्या है, सही है या बदलना चाहिए या अब समय हो गया है, क्या लग रहा है? ऐसा है ना कि पब्लिक का मानना ऐसा है कि भाजपा को भी वोट दो
और इधर की बाजू कांग्रेस की भी दो, हाँ। तो कहते काम किसका अच्छा है, वो देखो पहला काम जिसका अच्छा होगा वो बोलेगा, वो देखो। आप क्या कह रहे हैं आप, ये तो ये आप तो वो बोलिए जो दिल में है, दिल में है ना, ये कह रहे हैं। हमारे जो मार्केट का माहौल है वो थोड़ा बहुत सुधर रहा है, बीजेपी की सरकार ने इतना ऐसा बोला है कि हम आने के बाद तुम्हारा जो भी होगा प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। मसला है हमारा जो कतल खाने का है, रोड लाइसेंस है, बीजेपी ने बोला है इंशाल्लाह का जो क्या रिन्यू नहीं हुआ रिन्यू भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। 2006 के बाद हमारे लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए, तो ये कह रहे हैं रिन्यू हो जाएगा, बोला है उन्होंने, बोला है। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ कि आनंद में कौन आएगा, भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखो अभी आनंद का माहौल कैसा है, अभी आनंद के अंदर ऐसा लगता है माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का है, आपको क्या लगता है? लगता है कांग्रेस ही। आपको क्या लगता है? बीजेपी। आपको क्या लगता है? भाजपा। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी। आपको भी लगता है? आपको क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। यहाँ आम आदमी पार्टी आएगी, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी आएगी। तो देखिए कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी, कुछ एक कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, कुछ एक कह रहे हैं कांग्रेस, तो एक मिला जुला मिक्स सा ओपिनियन है। कुरैशी मोहल्ले में मुसलमानों की राय बटी हुई दिखी, कुछ लोग मोदी फैक्टर के मुरीद निकले तो कुछ गुजरात मॉडल के सख्त आलोचक। यहां हमें कुछ भाईजान के दिलों पर आम आदमी पार्टी के दस्तक भी सुनाई दी, लेकिन यहां के दूसरे इलाकों में लोग क्या सोच रहे हैं इसकी था लेने हम आगे बढ़े। आनंद का मूड क्या है इस बार और क्या लग रहा है टक्कर किसकी है यहाँ पर? आनंद में बीजेपी के सामने कोई टक्कर भी है ही नहीं पहले तो, क्योंकि गुजरात मॉडल जो है पूरे विश्व में फेमस है, बराबर। यहाँ के लोग, हम सब लोग जो है वो मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया है। आज हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर है। विपक्षी पार्टी है, उनके नेता कहते हैं ये जो ब्रांड बनाया गया है, ये जो मॉडल बनाया गया है, इस मॉडल में कई दोष हैं और सबसे बड़ा दोष तो ये है कि ये झूठ का मॉडल है। आपने देखा होगा एक पत्रकारी में, 70 साल पहले इंडिया कैसा था, 2014 के बाद इंडिया कैसा है। आज पूरे वर्ल्ड में मोदी का नाम फेमस हो गया, मोदी के नाम से पूरा इंडिया फेमस हो गया। तो आप कह रहे हैं कि आनंद में भी मोदी का चेहरा ही चलेगा? मोदी का चेहरा एक हमारे बीजेपी के पास ऐसा है कि वो नाम से ही चुनाव होता है। मोदी का अहम फैक्टर वो यहाँ काम करेगा। मोदी फैक्टर ही पूरे गुजरात में काम करेगा। सही कह रहे हैं ये ना? 100% सही है, क्योंकि मोदी का ये सूत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, विश्वास होता है, उसमें पूरी दुनिया समा गई है। ये सूत्र इतना आसान सूत्र नहीं है, सूत्र देने का किसी की पार्टी के बस में भी नहीं है। जैसे 3 तलाक हटाया, मुस्लिमों के लिए भी सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि कोई धर्म के नाम पे, पूरा सबका विकास का मतलब कोई भी आम आदमी हो, कोई भी हो। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आरोप ये है कि यहाँ तो हिंदू मुसलमान करा के वोट ले लिया जाता, लोग जो हिंदुओं को डरा के वोट ले लिया, जो बोलते हैं डरा के, यहाँ पे जो हिंदू सलामत है ना गुजरात में, आप मुस्लिम या मुस्लिम भी सलामत है, आप मुस्लिम बस्ती में जाके देखो ना, तो दुनिया में कहाँ भी मुस्लिम इतना हैप्पी नहीं है जो गुजरात में है, सुख शांति से रह जाए। आपको लगता है कि ये तर्क सही है, ये बात सही है? बिल्कुल सही है बात, गुजरात में शांति बनाए रखी है नरेंद्र मोदी साहब के हिसाब से, वहाँ पे शांति बनी रही हुई। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए सब? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आपको भी दिखेगा वहाँ पे काम करते हुए गुजरात में नरेंद्र मोदी का। पर मोदी ही चाहिए हमें हर बार। तो ऐसा क्यों, मतलब मोदी के लिए इतनी दी? तो सब मुमकिन है, इसलिए गुजरात से हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मोदी दादा सब सब अच्छी तरह से ये पूरा हैंडल करते हैं ना, वो कोई कर ही नहीं सकता। आप ये बताइए गुजरात में, आनंद की बात करिए, आनंद में सुरक्षा कितनी है, खासकर लड़कियों की, महिलाओं की? बहुत ज्यादा है, मतलब कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं काम कर रहे हैं? मोदी जी है तो वो मुमकिन है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी? हाँ, सिक्योरिटी है, मोदी जी है इसलिए। आनंद के लोगों के इस विश्वास और आत्मविश्वास को अभी यहाँ के दूसरे मतदाताओं की कसौटी पर भी कसा जाना बाकी था, क्योंकि यहाँ बीजेपी 5 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद पिछली बार हार गई थी। कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे,
इस बार किसके वोट मीटर में उछाल दिख रहा है, इसे समझने हम एक चौराहे पर पहुंचे। तो एक सवाल जो है हम सबके सामने रख रहे हैं कि एक गुजरात का जो डेवलपमेंट मॉडल जिसकी चर्चा बहुत होती है, हर बार होती है, हर चुनाव में होती है, क्या इस बार के चुनाव में वो मॉडल नज़र आता है, चुनाव में वो मुद्दा है, आनंद में क्या वो मुद्दा है? नहीं, जो मुद्दा जो लोग बोल रहे हैं विकास, तो वो विकास सिर्फ यानी उनके करीबी लोगों का लेवल ही विकास होता है। अगर मुस्लिम विस्तार का देखने जाए तो वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम बस्ती है और मुसलमान रहते हैं, उनके विस्तार में अगर आप घूमोगे तो आपको कहीं भी विकास नज़र नहीं आएगा। एक चीज़ बार बार कही जा रही है कि गुजरात के मुसलमानों ने, आनंद के मुसलमानों ने, गुजरात के अलग अलग ज़िलों के मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को हमेशा आँख मूंद कर सपोर्ट किया, समर्थन किया, लेकिन उसका रिटर्न कभी मिला नहीं, क्या ये सच है? ये बात सच है कि 20 साल से कांग्रेस को वोट मुस्लिम समाज, यहाँ से भी कांग्रेस के ही विधायक है, तो यहाँ से कांग्रेस के विधायक है और विधायक है वो वास्केल है। इधर आनंद जिला में 5 धारा सभ्य हैं। अभी तक 5 साल में जितना भी कानून हुआ मुस्लिम समाज के विरुद्ध, 5 धारा सभ्य ने कभी भी आनंद कलेक्टर ऑफिस, आनंद SP ऑफिस के विधानसभा में मुस्लिम समाज विरुद्ध जो भी कायदा है आज तक विधानसभा में उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। इधर बहुत सारे मुस्लिम तबके के लोगों ने मुझसे ये भी कहा है कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना धंधा करते रहें और शांति रहे, और यही हमारे लिए बेस्ट मॉडल है। आप कैसे देखते हैं कि अपना काम धंधा चलता रहे, रोजी रोटी चलती रहे, शांति रहे? आज गुजरात में तो मॉडल बहुत अलग है, बहुत विकास भाजपा सरकार ने किया हुआ, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, अटल ब्रिज है, ऐसा विकास तो भाजपा ने किया हुआ है। जो रोजगार धंधे हो तो करने वाला ही आदमी, रोजगार धंधे पे करेगा उसका परिवार कैसा चलेगा, इतने धंधा धंधे की जगह ने जो विकास किया वो तो किया ही, वो तो दिखता ही विकास। तो आप कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट का काम है, ये जो मॉडल गुजरात का नाम पूरे भारत, पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से अब लिया जाता है, तो उसका श्रेय मोदी और बीजेपी को? हाँ, मोदी और बीजेपी को 100% जाएगा, क्योंकि आज जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो एकता नगर जो बना है सरकार ने, वो तो पूरे भारत में कहीं है नहीं। आज अटल ब्रिज जो बना है वो पूरे भारत में है ही नहीं। आनंद की बात करें, आनंद में क्या लगता है आपको? आनंद में भी बीजेपी ने जो मुस्लिम विस्तार है वहाँ पे काम किया है, ये कॉमेडी हॉल बनाए, भी बगीचा बनाए, जो बरसों से यहाँ पे मुस्लिम कॉमेडी में बगीचा नहीं था। कैपिटल ऑफ मिल कहे जाने वाले आनंद में कहीं विकास के मुद्दे पर मुस्लिम समाज में नाराजगी है, तो कहीं लोग सरकार के कामों से खुश भी नजर आए। मौजूदा कांग्रेस विधायक को लेकर भी यहां के मुस्लिम समाज में नाराजगी के सुर दिखे। तो फिर इस बार आनंद में क्या होने वाला है? क्या इस सीट पर जीत दोहरा पाएगी कांग्रेस, या फिर यहाँ के भाईजान का मूड बदल गया है? इसकी नब्ज टटोलने हम बड़ा मदरसा इलाके में पहुंचे। देखिए, यहाँ पकौड़े तले जा रहे हैं, चाय बन रही है, और ये इलाका हमें बताया गया बड़ा मदरसा का इलाका। और देखिए, हमारी चुनावी यात्रा यहाँ पर पहुंची है। हम तो देखिए चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ लोग चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, और शाम का समय है, तो हमने सोचा कि आप लोगों से बातचीत की जाए। क्या लग रहा है इस बार आनंद का? देखिए, अभी तो इलेक्शन 8 तारीख के बाद ही मालूम पड़ेगा सर, लेकिन 5 को तो वोटिंग है, तो उसके पहले हलचल है कुछ यहाँ पर? हलचल तो देखिए, अभी दोनों आदमी क्या, कांग्रेस और बीजेपी दोनों, यही टक्कर है, टक्कर यही है। यहाँ के जो धारा सभ्य पहले जो चुकाए थे, इन्होंने सिर्फ क्या है, अपने पहचान वालों के ही काम किए, इस वजह से यहाँ पे उनका इतना सब विरोध है। मतलब जो मौजूदा विधायक हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस के हैं। हाँ, इसीलिए उनका भी विरोध है, क्योंकि गरीबों का काम करते हैं नहीं, जो उनके पहचान वाले होते हैं उनके विस्तारों में जाके उनका काम करते हैं, तो दूसरे गरीब लोग 5 साल क्या करेंगे। यहाँ ऐसी ऐसी सोसाइटी, यहाँ का लघुमती समाज उनको कैसे देख रहा है? लघुमती समाज इस तरह से देख रहा है कि अगर आपको काम नहीं करना है तो यहाँ वोट नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, टक्कर तो दो ही के बीच बताई जा रही है, फिर वो नसीब पर है उनके। नहीं तो बीच में भी तो आम आदमी पार्टी है, OYC की पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी तो कुछ नहीं कर सकेगी, कुछ नहीं कर सकेगी। बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस बार, कह रहे हैं कि हम तो इस बार इतिहास। आनंद सिटी के लिए आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस गलत है। गलत है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उसको यहाँ जो कैंडिडेट खड़ा है ना, उसको मैं मानता हूँ कि मुस्लिम विस्तार की बात करता हूँ तो वो लोग लगभग 65,000 वोट है हमारा यहाँ का। हाँ बिल्कुल, तो उसमें से लगभग 60,000 भी पहचानता नहीं होगा उसको।
लेकिन वो क्या कह रहे हैं वो भी तो सुनना चाहिए। उनका कहना है कि हमारे पास एक दिल्ली का मॉडल है और एक गुजरात का मॉडल पहले ही बताया जाता, तो वो हमारा मॉडल इतना अच्छा है कि लोगों को पसंद आ रहा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब। गुजरात मॉडल भी गलत है और दिल्ली मॉडल, दोनों मॉडल आप यहाँ तो जो पब्लिक का काम करेगा वही मॉडल सही है। सही क्या नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बात है, जो काम करे वही उसको ही वोट देना चाहिए, वही कैंडिडेट सही होगा। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इतना हर एक समाज के लिए उन्होंने किया है। आज आयुष्मान कार्ड, तुमको अगर बच्चा घर में लघुमति का भी कोई बीमार होता है, कोई बड़ा खर्च होता है, तात्कालिक आयुष्मान कार्ड कराने के लिए दौड़ता है, उसको 5 लाख का ऑफर सरकार दे रही है, सरकार उसका खर्चा उठा रही है, फिर भी लघुमति के मगज में एक ही है कि हिंदूवादी जो सभी उनकी बनी हुई है उसकी वजह से, बाकी को और कुछ नहीं। मोदी जी भी अच्छे हैं। अच्छा एक सच मैं बताता हूँ, मतलब हम पत्रकार हैं तो हम हर समाज के लोगों से मिलते हैं, तो जब कोई ऐसे आपकी तरह जब बात करता है वो कहता है कि ये नरेंद्र मोदी की ये योजना अच्छी है, ये योजना अच्छी, तो हम पे कहते हैं कि आपने उनको इंटरव्यू में सेट कर लिया है। नहीं, कहते हैं कि आपने जानबूझ के बुलवाया है एक मुस्लिम समाज के आदमी से, वो अच्छा अच्छा बोले। हम तो देखिए आपको जानते नहीं, हमें आप इस दुकान पे मिले, हम आपको मिले और हमने सीधे सीधे सवाल किए, आप सीधे सीधे बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं और बिल्कुल खुला बोल रहे हैं, जो सही है वो बोल रहे हैं। अगर मुसलमान हो के तुम सही नहीं बोल सकते हो तो मुसलमान होने का कोई मतलब नहीं। आयुष्मान कार्ड बहुत सी सुविधाएं दी है, बहुत सी सरकार ने, आज हर महीना दो बार मुफ्त राशन दे रहा है नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तो वो भी फायदा ही है ना। अगर तुम अगर उसको नहीं मानते हो तो फिर अनाज लेने जाते क्यों हो? आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मतलब एक दो बातें उन्होंने कही, मैंने उनको कहा कि न मैं आपको जानता हूँ न आप मुझे उस तरह से जानते हैं पर्सनली, हमने सीधे सवाल आपसे पूछे। उन्होंने कहा बहुत सारी योजनाएं बहुत अच्छी है और वैसी योजनाएं आगे बढ़ें तो हम नरेंद्र मोदी को हम इसलिए उसमें मार्क दे रहे हैं, और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो विभेद पैदा करते हैं, उसमें कुछ उधर के भी हैं और कुछ वैसी जैसी पार्टियों के भी लोग हैं, तो आप इसे कैसे देखें, क्या इसमें कहीं कोई सच्चाई है? नहीं, इतनी सच्चाई तो नहीं है, जैसे मतलब मेरे हिसाब से तो ये है जो सही है, नरेंद्र मोदी जो साफ कर रहे हैं वो सही है, मतलब कि आगे भी इसी तरह चलते रहे, हमारा ऐसा विचार है कि आगे भी इसी तरह चलते रहे तो हमको अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर देखिए यहाँ बहुत सारे लोगों से हमने बात की और खासकर लघुमती समाज के लोग यहाँ थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से मुद्दों को समझाया, किसी ने सरकार की योजनाओं को सही बताया, किसी ने सरकार की योजनाओं में दोष गिनाए, आनंद के विकास की भी बात की, लेकिन कुल मिलाकर इतना तो तय है कि सभी की नज़र 5 तारीख पर है, जब आनंद के मतदाता अपना मत देंगे, ईवीएम में अपना फैसला सुनाएंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, पता चल जाएगा कि आनंद के लोग, आनंद की जनता, आनंद के वोटर की चाहत क्या है, उनके दिल में क्या है।